चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर दूर दराज के इलाकों में जाकर रहस्यमयी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। इस वीडियो ने सारी दुनिया में टहलका मचा दिया है। वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद के दूर दराज इलाकों में घूम रहा है और चांद की वीडियो को इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था, क्योंकि चंद्रयान का लैंडर धरती से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर स्थित चांद तक के सफर को लगभग 40 दिनों में पूरा किया था। इसलिए रात भर विक्रम लैंडर को आराम करने दिया गया और सुबह 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर का गेट खुला और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर निकल गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान कैसे धीरे धीरे चांद की सतह की ओर रवाना हो रहा है। चंद्रयान 3 के इस चहलकदमी को देख सारी दुनिया में टहलका मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जहां जहां भी घूम रहा है वहां पर अपने टायर के निशान छोड़ रहा है, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह छपा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत के चंद्रयान 3 ने ही लैंडिंग की है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन समेत अन्य किसी भी देश की हिम्मत चांद के इस इलाके में उतरने की नहीं हुई, जबकि हमारे भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने चांद के इस इलाके में अपने अंतरिक्ष यान को उतारने में सफलता प्राप्त की है। यहां तक कि अमेरिका ने लगभग 18 मून मिशन कर लिया है और रूस ने भी 25 मून मिशन कर लिया है। अगर बात करें अमेरिका की, तो इन्होंने चांद पर इंसानों को भी भेज दिया है, लेकिन चांद के उत्तरी ध्रुव में सारे मिशन किए गए थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव में कोई भी मून मिशन नहीं किए गए थे। तो आखिर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया जिससे दुनिया भर में भारत की ही नारे गूंज रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही इसरो के पास एक मैसेज भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, जिसे देख इसरो की खुशहाली और ज्यादा बढ़ गई। इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में भारत और इसरो के नाम की जय जयकार हो रही थी। लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। इसलिए अपनी उत्सुकता को कंट्रोल करके कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर में थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55,00,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो कि था चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना, जिसके लिए उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया। और जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के सीने से बाहर निकला, उसके बाद वह पल ऐतिहासिक बन गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर ने जैसे ही विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया, वैसे ही इसने चंदा मामा पर भारत की अमिट छाप छोड़ दी, क्योंकि इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को बनाया था, जिस वजह से यह चांद पर सफर करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ये अपने पीछे भारत के नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से 1,000 साल बाद अगर कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उसे भारत की यह छाप वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांद की मिट्टी पर बने निशान कई सालों तक कैसे रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहली बार उतरे थे,
तब से लेकर आज तक चांद पर उनके पैरों के निशान वैसे के वैसे मौजूद हैं। और चंदा मामा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत तो दुनिया भर की सभी एजेंसियों से सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां जहां जाएगा वहां वहां इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छापता जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह पीछे अशोक चक्र और इसरो के लोगों का निशान छोड़ता जाता है। और अब वैसे ही अपने सफर की शुरुआत करके प्रज्ञान रोवर ने चांद की खाली जमीन पर भारत की कामयाबी का कारनामा करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन अगले 14 दिनों तक चलने वाला है, ऐसे में 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर अपनी लैंडिंग साइट और आसपास के इलाकों में काफी लंबा सफर तय करने वाला है। तो जरा सोचिए कि मिशन पूरा होने तक चांद के इस इलाके में अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की कितनी हजारों फील्ड में बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, प्रज्ञान रोवर की बनावट और उसके मिशन की बात करते हैं, जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ है। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है और यह पावर पहुंचाता है, ताकि अगर 2 पहिए मिट्टी में ढल जाए तो बाकी के 4 पहियों से खींच कर बाहर निकाल सके। इसके अलावा इसकी और पहियों को पकड़कर रखने वाली रॉकेट बोगी को काफी मजबूत बनाया गया है, ताकि पत्थर या किसी चट्टान से टकरा जाता है तो इसके उपकरणों को कोई नुकसान न पहुंच पाए। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है, जो सूरज की रोशनी 24 घंटे लगातार प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धूप तो 10 से 12 घंटे तक होती है, तो फिर 24 घंटे की चार्जिंग कैसे होगी? तो आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 28 से 29 दिनों के बराबर होता है, यानी कि चांद पर 14 दिन की सुबह और 14 दिन की रात रहती है, यानी 14 दिनों तक लगातार आसमान में सूरज खिला रहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के इसी महीने में पहली सुबह चांद पर उतारा है, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करते रहे और अगले दिनों में हम जितना हो सके उतना ज्यादा रिसर्च कर पाए, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की चार्ज खत्म हो जाएगी और दोनों बंद हो जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 ने ऐसी कोई फोटो या वीडियो नहीं भेजी है जिसमें एलियन के मौजूद होने का सबूत मिल रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।